अब लखनऊ के सुपरवाइजर का मेघालय में अपहरण का मामला। बता दें कि मेघालय में अखिलेश सिंह चौहान को सकुशल बचाया गया है। परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी का यहां पर आभार भी परिवार जताता हुआ नजर आया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मेघालय की दक्षिण गारो हिल्स में अपहरण हो गया था। सीएम योगी के संज्ञान के बाद मेघालय सरकार अलर्ट हुई थी और सीएम योगी ने मेघालय के सीएम से इसको लेकर बातचीत भी की थी, इससे अवगत कराया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब ये रुख सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से यहां पर गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने बातचीत की इसको लेकर के। और अपहरण देखिए जिस तरीके से हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं परिवार ने यहां पर आभार भी जताया है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक्शन मुख्यमंत्री ने खुद लिया है। सीएम योगी का आभार यहां पर परिवार जताता हुआ नजर आया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है इस एक्शन में मेघालय में। देखिए किस तरीके से यहां पर यह पूरा मामला, और सीएम योगी के संज्ञान के बाद मेघालय सरकार एक्शन में आई है और अलर्टनेस यहां पर बढ़ती गई। सीएम योगी ने मेघालय के सीएम से इसको लेकर बातचीत भी की थी और इसके बाद सुपरवाइजर का मेघालय में अपहरण हुआ था। इस मामले को लेकर के खुद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की थी और मेघालय के सीएम से इसको लेकर वार्तालाप किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब देखिए किस तरीके से रुख यहां पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अलर्ट यहां पर नजर आई है पुलिस। मेघालय में अपहरण का मामला और सुपरवाइजर का अपहरण। परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और देखिए तस्वीर उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं।